अचार तो आपने कई तरह के बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, पर आज हम एक ऐसा अचार बना रहे हैं कि जिसका स्वाद इतना लाजवाब है कि उसके आगे सारे अचार भूल जाएंगे। टमाटर का अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि हाफ के जी टमाटर लिए हैं। टमाटर हमें बिल्कुल लाल और टाइट ही लेने हैं। तो सबसे पहले हम जो ये टमाटर का ऊपर का पार्ट है इसे इस तरह से हटा देंगे और एक-एक करके ये टमाटर हम काट लेंगे इस तरह से। ये सारे टमाटर मैं पीसेज में काट लूंगी। अभी टमाटर का सीजन है और टमाटर अभी काफ़ी सस्ते रहे हैं, तो आप इस तरह से टमाटर का अचार बना सकते हैं जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगा। हमारे यहाँ जयपुर में तो अभी 20 रुपीज़ केजी आ रहे हैं। आप बताइए आपके शहर में टमाटर अभी क्या भाव आ रहे हैं। इस तरह से मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब ये मैंने लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको पीसेस में काट दिया है, और 2 हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट दिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसका थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाना है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है मैंने, हल्का दरदरा है, इसमें दिख रहा है मिर्च और अदरक के थोड़े रेशेस। इसी तरह का हमें चाहिए था। गैस ऑन करके सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें जो ही हमने टमाटर काटे थे ये डाल देंगे सारे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और बीच बीच में इसको इस तरह से चलाना है, और थोड़ा प्रेस करते हुए हम टमाटर को इस तरह से दबा देंगे जिससे इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। हम इसमें बिल्कुल भी पानी कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इसे हम 10 मिनट तक करीब पकाएंगे, फिर चेक करेंगे, क्योंकि जो ये टाइट है टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। आप देख रहे हैं टमाटर हमारे थोड़े इस तरह से दबने लगे हैं, पकने लग गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और इसमें 1 कप सरसों का ऑयल डाला है, क्योंकि कोई भी अचार बनता है वो सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। तो आप भी सरसों का तेल ही यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं हो या पसंद नहीं हो तो आप और कोई भी तेल काम में ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और साथ में करी पत्ता। अब हमने जो ये अदरक हरी मिर्च को पीसा था ये भी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें मैंने मिर्च और हल्दी कम डाली है क्योंकि अभी हम इसमें और मसाला डालेंगे, जो कि हमने आपने देखा होगा पहले मैंने वीडियो शेयर किया था अचार का मसाला, तो वो वाला मसाला डालेंगे। उसमें सब मिक्स है तो हमें अलग से कोई मसाला रोस्ट नहीं करना पड़ेगा या अलग अलग कई तरह के मसाले नहीं ऐड करने पड़ेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा, हम वो एक ही मसाला डाल देंगे और हमारा अचार अच्छा बन जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम टमाटर चेक कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि सारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं और सारा जो इसका मॉइस्चर था वो भी एब्जॉर्ब हो गया है। अब एक बार हम इस मैशर से थोड़ा इसको मैश कर देंगे और
इतना ही टमाटर को हमें पकाना था। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये 3-4 लाल मिर्च सूखी हुई। अब हमारे टमाटर भी तैयार हो गए तो हम ये भी इसी में डाल देंगे। आप देख रहे होंगे टमाटर का अचार देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो क्या स्वाद होगा इसका। अभी से थोड़ा इसमें और पकने देंगे और आप ये देख रहे होंगे बीच बीच में टमाटर के थोड़े पीसेस आ रहे हैं हल्के हल्के से, पर हमें इनको नहीं मैश करना है। जब ये हम अचार खाते हैं तो बीच बीच में खाने में आते हैं तो बहुत ही स्वाद लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ये अचार मसाला 2 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसीलिए इसमें हमने अलग से राई, जीरा, दाना मेथी, सौंफ ये कुछ भी रोस्ट करके नहीं पीस के डाला है, क्योंकि हमने पहले से अचार का मसाला तैयार करके रख रखा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैसा भी कोई भी अचार हो, अचार ही नहीं कोई भी सब्जी, जैसे अचारी आलू, अचारी बैंगन, अचारी भिंडी, कोई भी सब्जी बनाए तो आपको फटाफट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमक भी मैंने ही डाला है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अलग से और डाल लें, ऐड कर लें, क्योंकि इस मसाले में ऑलरेडी नमक है इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है इसमें। अगर टमाटर का अचार आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं 2-3 किलो, तो आप इसमें ऑयल इतना डालें कि ऊपर तक तैरता रहे, जिससे अचार खराब नहीं होगा। अभी से 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, एक बार चेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख रहे हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है, ऊपर दिख रहा है हमें ऑयल अच्छे से, इसका मतलब ये रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे सिरका, जिससे ये प्रिजर्व रहेगा, खराब नहीं होएगा। 1.5 चम्मच मैंने सिरका डाला है। आप जितना अचार बना रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा बढ़ा दें अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं और ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, इससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। आपने कैरी, मिर्च, नींबू ये अचार तो काफ़ी बनाए होंगे, पर टमाटर का शायद ही बनाया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने भी बनाया है क्या टमाटर का अचार, और नहीं बनाया है तो ज़रूर से बनाएं, और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने सुझाव मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल पे नए हैं तो कक्कू की किचन को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसको प्रिजर्व करें, कैसे रखना है हमें इसे, जिससे हमारा अचार सालों साल खराब नहीं होए। तो लीजिए, हमारा टमाटर का अचार ठंडा हो गया है। अब हम इसे लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए एक कांच के जार में डाल देंगे। ये मैंने कांच का जार लिया है, इसे अच्छे से धो लिया था और फिर कपड़े से पोंछ के 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, जिससे ये अच्छे से सूख जाए और हमारा अचार खराब नहीं हो। अब मैं इसमें ये अचार ट्रांसफर कर दूंगी। तो लीजिए, तैयार है हमारा टमाटर का अचार। आप इसे पूरी पराठे के साथ तो खा ही सकते हैं, पर इडली, डोसा उसके साथ भी आप इसे खा के एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।